हेलो डियर व्यूअर्स व्यूवर्स हाव यू आज की इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं फर्स्ट ईयर के प्लेस को और फर्स्ट ईयर के प्लेस आपको पता है काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है फर्स्ट ईयर के प्लेस के अंदर हमारे पास हीट लाइटनिंग है सेकंड प्ले हमारे पास विजिट टू तो अ स्मॉल प्लाने है और थर्ड प्ले हमारे पास है द ऑयस्टर एंड द पर्ल और इसके क्वेश्चन आंसर्स इतने ज़्यादा हैं कि आप सही तरीके से याद भी नहीं कर पाएंगे क्योंकि बोर्ड के अकॉर्डिंगली आपने सिंपली वो याद करने हैं जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और आज की इस वीडियो के अंदर हम उन सब को डिस्कस करने वाले हैं तो आप इस वीडियो को कंप्लीटली लाजमी देखिएगा सबसे पहले इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आपके साथ कन्फ्यूशियस की एक कोटेशन शेयर करना चाहूँगा कन्फ्यूशियस ये कहते हैं द जेम कैन नॉट बी पॉलिश विदाउट फ्रिक्शन और अ मैन विदाउट हिज हिस्ट्राइल्स यानी कि एक इंसान जब तक कोई सख्त मेहनत नहीं करता उसके बिना वो इंसान पॉलिश ही नहीं हो सकता और इसी की एक दूसरी कोटेशन भी आपके साथ मैं आप डिस्कस करने लगा हूँ कि लाइफ इज़ रियली सिंपल बट वी विल इंसिस्ट ऑन मेकिंग इट कम्प्लिकेटेड कि ज़िंदगी बड़ी आसान है लेकिन हम इसको कम्प्लिकेटेड खुद ही बनाते हैं वो कम्प्लीकेटेड किस तरीके से बनाते हैं कि आपके पास जितने भी प्लेस हैं उनके ट्वेंटी ट्वेंटी फाइव क्वेश्चन यानी ओवरऑल आप सिक्सटी सेवेंटी क्वेश्चन याद करने लग जाते हैं उसके बजाय ये ट्वेल्व मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आप याद करेंगे तो ये आपका सेक्शन बिल्कुल आसानी से हल हो जाएगा तो आज की इस वीडियो को आगाज़ करने से पहले मैं आपके साथ ये लाजमी कहूँगा कि आपने अपने साथ एक पेन और एक रजिस्टर लाजमी रखना है और इसके अंदर जितने भी क्वेश्चन मैंशन किए जा रहे हैं जी हाँ जितने भी क्वेश्चन मैंशन किए जा रहे हैं वो आपने अपने पास लिख लेना है अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो ये अपने दोस्तों के साथ लाजमी शेयर कीजिएगा तो आज सबसे पहले जो हमारे पास हीट लाइटिंग है उस प्ले का जो सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो है व्हाट वाज़ द कंडीशन ऑफ द वेदर अगर आपने ये प्ले पढ़ा हो तो आपको ये पता होगा कि कंडीशन ऑफ़ द वेदर वाज वेरी वर्स बहुत ज़्यादा बारिश हो रही थी बहुत ज़्यादा बादल गरज रहे थे और इसी चीज़ को अंग्रेजी में आपने कैसे लिख देना है द वेदर वाज स्टोमी दे वाज फ्लैशेस ऑफ द लाइटनिंग अब ये लाइटनिंग आपने पेरा वर्ड में पढ़ रखा है टी एन वाली जो लाइटनिंग होते हैं ये आसमानी बिजली के लिए होता है और टी ई एन वाला जो होता है लाइटनिंग उससे मुराद होता है जो घरेलू बिजली वगैरह होती है तो फ्लैशेस ऑफ द लाइटनिंग टीचर ये लाजमी चेक करेगा कि आपने लाइटनिंग के स्पेलिंग ठीक लिखे हैं कि नहीं एंड द ब्रस्ट ऑफ द दस और वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा थंडर की जो है वो ब्रश भी हो रहे थे बिजली के कड़कने की आवाज़ें भी थी द वेदर एडिड टू द टेरर ऑफ द गर्ल तो ये या आपने लाजमी लिखना है ये वाला क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इसके साथ ही सेकंड क्वेश्चन की तरफ चलते हैं व्हाई कूड द गर्ल डिस्क्राइब द किलर क्योंकि ये सवाल अगर आपको सवाल समझ आ जाए ना तो वैसे ही आपको आधा आधा आंसर आपको वैसे समझ आ जाएगा वो लड़की क्यों डिस्क्राइब नहीं कर पाई वो लड़की इसलिए डिस्क्राइब नहीं कर पाई क्योंकि वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा जो है वो अंधेरा था और वो कंप्लीटली उस टेरर की वजह से देख नहीं पाई इट वॉज़ अ पिच डार्क ऑल अराउंड द गर्ल्स ऑफ द किलर

वट वर द सर्कम्सटांसिस दैट फोर्स द गर्ल टू लिव हर कार वो क्या वजह बनी थी कि लड़की को अपनी गाड़ी छोड़ना पड़ी बिकॉज शी रैन आउट ऑफ द गैस ये यही इंपॉर्टेंट है लेकिन उससे पहले आपने सेंटेंसिस को कम्प्लीट लाजमी करना है द गर्ल वॉज ऑन हर वे बैक होम फ्रॉम अ लेट नाइट पार्टी शी रैन आउट ऑफ द गैस और जितने भी मैंने यहाँ पर आपके सामने इंपॉर्टेंट uh, लिखे हुए हैं Uh, जो हाईलाइट किए हुए हैं ये काइंडली अपने पास भी हाईलाइट लाइट लाजमी किए जाएगा मार्कर से ये वाले इंपॉर्टेंट वर्ड लाजमी लिखेगा देर फोर शी कुड नॉट कंटिन्यू हर ट्रैवल इन हर कार तो ये लाजमी इसका लिखिएगा नाउ मूविंग फॉरवर्ड टू द क्वेश्चन नंबर फोर क्वेश्चन नंबर फोर स्टेट्स वाई डिडन शी अ कंपनी द सेकेंड मैन वो दूसरे बंदे के साथ क्यों नहीं वहाँ पे उन्होंने तावन किया उसके साथ क्यों नहीं गई शी डिड नॉट अ कंपनी द सेकेंड मैन बिकॉज शी थॉट टू बी बिहेम अ किलर शी बिकेम सस्पिशियस ऑफ हर बिहेवियर ऑफ़ द सेकेंड मैन क्योंकि उसे लगता था कि जो बाद में बंदा आया है सेकेंड मैन आया है शायद वो किलर हो और इस अपने शक व शुभे की वजह से सस्पीशन की वजह से उसके साथ नहीं गई थी ये बड़ा ही इम्पॉर्टेंट है तो फर्स्ट प्लेस है ये फोर क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है आपको यही वाले याद करने हैं अगर इम्तहान में आपको द गर्ल द सेकेंड मैन द फर्स्ट मैन अगर छोटे हरूफ में है तो आपने जवाब भी वैसे ही लिखना है लेकिन अगर द गर्ल द सेकेंड मैन द फर्स्ट मैन अगर आपको कैपिटल लेटर में है तो आपने जवाब के अंदर भी लिख है पेपर बनाने वाला हो सकता है कि आपको प्रेजेंट में आपको क्वेश्चन दे या पास के अंदर दे तो जैसा क्वेश्चन जिस टेंस के अंदर आएगा आपने आंसर उसी टेंस के अंदर देना है अच्छा जी अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर फाइव के ऊपर व्हाट एक्सट्रॉर्डनरी पावर ड्रिंटन है ऊपर तो हम लोग आ गए हैं हाउ डू क्रिंटन इंप्रेस जनरल पावर्स जो क्लिंटन था आपको पता है वो एलियन था बाहर से आया था एक्स्ट्राऑर्डनरी एबिलिटीज़ उसके पास ही आपके माइंड में जो भी एक्स्ट्रा ऑर्डनरी एबिलिटीज़ आती है आप वो भी लिख देते तो तब भी ये ठीक हो जाना है क्योंकि क्रिंटन कैन हीयर जनरल पावर्स ही बिल्ड्स एन इनविजिबल वॉल अराउंड हिज हिस् ये बड़ा इंपॉर्टेंट है इसको देख लीजिएगा हिज शेप इज़ विदाउट इंस्ट्रूमेंट ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट है आप यहाँ तक भी लिखेंगे आपको दो नंबर मिल जाएंगे लेकिन जो एक्स्ट्राऑर्नरी स्टूडेंट करना चाहते हैं वो इससे अगली वाली लाइन भी लिख लीजिएगा द जनरल पावर इज अनएबल टू टच हिम ही कैन रीड द ह्यूमन माइंड ही बिलीव दैट ही इज़ इमार्टल क्वेश्चन नंबर सिक्स की तरफ चलते हैं व्हाट वाज द पर्पस उसका पर्पस क्या था ये ये सवाल ऐसे भी आ सकता है कि करिंटन की हॉबी क्या थी उसका पर्पस एक ही था कि वो इन लोगों का जो है इनको स्टडी करता था और वो टेक ओवर करना चाहता था इस पूरी दुनिया को द पर्पस ऑफ़ द करिंटन विजिट वाज टू टेक चार्ज ऑफ द होल वर्ल्ड ही हैज़ की इन इंटरेस्ट इन द अर्थ एंडमन सिविलाइजेशन स्टडिंग द पीपल एंड देर बिहेवियर वॉज हिज हॉबी विजट द अर्थ एज अ टूरिस्ट ये आप याद कर लीजिएगा तो आपका दो नंबर इस प्ले में से पक्के हैं हम स्मार्ट वर्क की तरफ ज़्यादा ध्यान देते हैं हम उस चीज़ की तरफ ध्यान नहीं देंगे कि हमें इतने ज़्यादा सिक्सटी सेवेंटी क्वेश्चन याद करने हैं सिंपली ये वाले याद कर लें ये आपका ये प्लेस के क्वेश्चन आंसर्स का सेक्शन क्लियर हो जाना है अच्छा जी ये वो सवाल है जिसके ऊपर आप जो भी लिखेंगे ठीक होगा पाँच हज़ार साल में आप क्या देखते हैं कि दुनिया कितनी एडवांस होगी आप उसके अंदर जो भी बातें कर सकते हैं कि फ्यूचर में उड़ने वाली गाड़ियाँ होंगी रोबोट हमें सर्व कर रहे होंगे हम लोग एक जगह से दूसरी जगह बड़ी आसानी से जा सकते हैं जो भी आपका दिल लिखता है आप लिख लें सिंपल ग्रामर अपनी ठीक रखिएगा और स्पेलिंग ठीक रखिएगा लेकिन फिर भी एहतियातन नहीं इसको इसी तरीके से लिख लीजिएगा इन द ईयर फाइव थाउजेंड लाइफ वुड बी हाईली इंटेलिजेंट पीपल वुड हैव ऑन फ्लाइंग कार्स उनकी अपनी गाड़ियाँ होंगी ठीक है दे वुड ट्रैवल अराउंड द वर्ल्ड इन अ मिनिमम टाइम कम से कम वक्त में घूमेंगे रोबोट्स विल भी सर्विंग दम दे। देखें अपने आप को सेटिस्फाई करने के लिए कितनी हमने लंबी लंबी भी बातें कर रहे हैं कि रोबोट हमें सर्व करेंगे ये होगा वो होगा और दूसरे प्लानट्स ऐसे जाया करेंगे जैसे हम दूसरी सिटी के अंदर जाते हैं तो आप इसके अंदर कुछ भी लिखेंगे ये आप पर है ये आप क्रिएटिव राइटिंग के सेंस में आता है आप जो भी लिखेंगे इसके अंदर ठीक होगा लेकिन अगर आप इसका क्रैम कर लें तो बेहतर है नेक्स्ट हम लोग चलते हैं जो क्वेश्चन हमारे लिए इंपॉर्टेंट है हाउ मच डैमेजिंग द वायलेंस जिंदगी में तशद जो होता है वायलेंस होता है ना इंसाफी कितनी ज्यादा डैमेजिंग है वायलेंस इज अ कर्स इट क्रिएट्स एनिमिज वायलेंस कैन डिप्राव डिप्राइव का मतलब होता है कम कर देना किसी को जो है उसके हक छीन लेना ऑफ अदर्स देर राइट्स नो बडी वॉन्ट्स टू बी गवर्न बाई द वायलेंस ओनली लव एंड सिंपति कैन क्रिएट रिस्पेक्ट अमंग द पीपल जो हाईलाइट किए हुए हैं वर्ड्स इनको काइंडली अपने पास मार्कर से लिखिएगा हाईलाइट लाइट लाजमी कीजिएगा आपकी पेपर प्रेजेंटेशन आपके नंबर ज्यादा लेकर आएगी क्वेश्चन नंबर नाइन हाउ मच एडवांस द सिविलाइजेशन ऑफ द करिंटन वही वाली बात इधर भी हम लिख लेंगे कि क्रिंटन की जो सिविलाइजेशन थी वो बहुत ज़्यादा हमसे ज़्यादा थी दे टाइन ट्रैवल इन द स्पेस इन नो टाइम दे आर इमोट इमोटे कहते हैं लाफानी जिनको डेथ नहीं होती नो बडी कैन हार्म द दे कैन रीड द माइंड ऑफ अदर तो ये इसके अंदर आ सकता है तो क्वेश्चन नंबर नाइन हमारे पास यही हो गया क्वेश्चन नंबर अब हम प्ले नंबर थ्री के ऊपर आते हैं क्ले नंबर थ्री में वही बात आ जाती क्ले को पैसों की जरूरत क्यों थी ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्ले एक गरीब लड़का था ही वॉज अ पुअर बॉय हिज फादर लेफ्ट होम ही नीड्स मनी टू ब्रिंग हिज फादर बैक एंड ही ऑल्सो वॉन्ट्स टू बाई अ गिफ्ट फॉर हिज मदर क्वेश्चन नंबर इलेवन की तरफ आ जाते हैं ये साथ साथ आप नोट डाउन लाजमी करें अगर आप नोट डाउन नहीं करेंगे तो आपको याद नहीं रहेगा कई बच्चे ऐसे करते हैं कि यहीं से इसको पढ़ के कहते हैं मेमोराइज होगा जब तक आप अपने हाथ से खुद नहीं लिखेंगे आपको नहीं याद होगा आप एक मरतबा अपनी नोट कॉपी के ऊपर ये सारे क्वेश्चन आंसर लाजमी लिखें और फिर उसके बाद हमारी इस वीडियो को आराम से दोबारा से एक दो मरतबा जब आप सुनेंगे तो वो सुनने से भी आपको याद हो जाता है आपको जो मेथड अच्छा लगे आप वो उसको अप्लाई करें और अच्छे नंबर हासिल करें हु इज़ मिस मै मिस मै कौन थी हाउ डज शी फील अबाउट हर जॉब डज डज शी नीड पूडल हेयर कट पूडल हेयर कट क्यों करवाना चाहती थी हैरी इन्होंने क्या एडवाइस किया था ये चारों सवालों को इसी के अंदर हमने निकाल दिया है इसमें क्वेश्चन इज अ प्रीटी यंग न्यू टीचर एट द स्कूल इन ओके बाय द सी ये आपको याद हो जाना शी इज डिफिकल्टी इन द टीचिंग चिल्ड्रन उससे डिफ़िकल्टी हो रही थी ये दूसरे वाले आंसर हमने क्वेश्चन का आंसर कर दिया ठीक है हैरी एडवाइज़ हर टू गो बैक टू द सैन फ्रांसिस्को बट शी वॉन्टेड पूडल हेयर कट टू लुक लाइक द लोकल पीपल तो ये चारों आंसर किसी भी वर्डिंग में आ सकता है एक ही जवाब उस सबका हमने आपके सामने लिख दिया वट डज़ द राइटर डू विद द ऑस्टर वो क्या करना चाहता था ऑयस्टर के साथ असल में राइटर को जरूरत नहीं थी वो सिंपली क्ले की मदद करना चाहता था द राइटर बायसटर फॉर द थ्री हंड्रेड डॉलर्स ही वॉन्ट टू हेल्प क्ले ही डज नॉट ओपन इट इन द पॉकेट एंड गोज अवे और उसने उसे ओपन भी नहीं किया बस सिंपली उसका जो प्राइम पर्पज़ था वो क्ले की मदद करना था तो ये ट्वेल्व क्वेश्चन वो हैं जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं बार बार रिपीट होते हैं अगर आप यही याद कर लेंगे तो आपका मैक्सिमम जो है वो क्लियर हो जाएगा और आपको जो है वो प्लेस में कोई भी परेशानी नहीं होगी अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो काइंडली लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब और अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर करना मत भूलिएगा क्योंकि हमारा पर्पज़ ही यही है इस वीडियो को बनाने का कि जितने भी स्टूडेंट्स हैं उनको स्मार्ट वर्क की तरफ ले कर आएँ और उनके अच्छे नंबर आएँ और आपने बोर्ड के फाइनल पेपर के बाद लाजमी कमेंट करना है और हमें बताना है कि इनमें से कितने क्वेश्चंस आपके पास आए थे अल्लाह हाफिज़